एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपको राजगीर के वाइल्ड लाइफ सफारी में ले जाएंगे और आपको वहां के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े आलसी जानवर होते हैं। खाना खाने के बाद 18 से 22 घंटे तक सोते हैं। आइए ना हमरा बिहार में। राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी 191 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसे 5 जोन में बांटा गया है, जहां हर जोन में अलग अलग जानवर रहते हैं। तो अभी हम लोग राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी में आ चुके हैं। अब हम अंदर जाने वाले हैं। नजारे पहाड़ है पीछे। आप एक बार कश्मीर वाली वीडियो जाके देखिएगा, उसमें सबसे भी बड़े पहाड़ है, वहाँ मजा आएगा। आपको पता है यहाँ सभी जानवर पिंजरे में नहीं बल्कि खुले में रहते हैं, जिन्हें आप सफारी बस में बैठकर देख सकते हैं। यहाँ जगह जगह कई सारे सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। इस जू में एक डिजिटल बटरफ्लाई जोन, एक इंटरप्रिटेशन सेंटर और एक 180 डिग्री 3D थिएटर भी है, जो कि देखने लायक है। सफारी प्लाजा एंट्रेंस है ये। अभी हम अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर एक और बस आएगी, उसमें बैठेंगे शायद, क्योंकि वो भर चुकी है। हर 2-2 मिनट पे नई बस आती रहती है, सॉरी 5 मिनट पर। अंदर गाना बज रहा है। इसका वेट करने तक हम लोग यहीं पर इस म्यूजियम में आए हैं हमारा, और ये यहाँ से पूरा स्टार्टिंग है। अर्थ की स्टार्टिंग कैसे हुई है पूरा आगे। ये यहाँ का इंटरप्रिटेशन सेंटर है। यहाँ पर अर्थ के फॉर्मेशन से लेकर ह्यूमन एवोल्यूशन और इस जू में पाए जाने वाले लगभग सभी जानवरों के बारे में बताया गया है। राजगीर जू सफारी में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं सुबोध कुमार वर्मा, सफारी गाइड दिसंबर में हम आपके साथ हैं। राजगीर जू सफारी 191.12 हेक्टेयर में बनाए गए हैं। इसे दो पहाड़ियों के बीच में बनाए गए हैं, एक तरफ है सोनगिरी तो दूसरी तरफ वैभव। यही राजगीर 5 पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ एक छोटा सा शहर है। सोनगिरी, वैभवगिरी, उदयगिरी, रत्नाचल गिरी और विमांचल गिरी। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य है जानवरों को संरक्षण देना तथा वृक्षों को कटाई से रोकना है, ताकि पर्यावरण में संतुलन को बनाए रखा जाए। गेट नंबर 7 जाना हाजीपुर सफारी, गेट नंबर 1 ओपन कर दीजिए। देखिए सर, यहाँ जो पानी दिखाई दे रहे टायर बास, इसमें केमिकल डाला गया पोटेशियम परमैंगनेट, ताकि किसी तरह के कोई कीटाणु टायर के सारे अंदर न प्रवेश कर सके, जिससे जानवरों को कोई बीमारी होने का खतरा नहीं रहे। उसके बाद आपको डबल एंट्री गेट दिखाई दे रहे, एक गेट खुल रही, गाड़ी अंदर जाएगी। गाड़ी अंदर में 30 सेकंड के लिए रुकेगी, जब तक पिछले दरवाजे बंद नहीं हुए अगले दरवाजे नहीं खुलेंगे, ताकि अंदर का कोई जानवर बाहर न भाग सके। अब हम लोग हर्बीवोर सफारी में प्रवेश कर चुके हैं। इसमें आप लोग के विभिन्न प्रकार के शाकाहारी जानवर देखने को मिलेंगे, जो घास भूसे खाते हैं, जुगाली करते हैं, स्तनधारी प्राणी होते हैं। इसमें आप लोग के विभिन्न प्रकार के हिरण देखने को मिलेंगे और नीलगाय मिलेंगे। जिस हिरण को सींग होंगे मेल होंगे, जिनके सींग न होंगे फीमेल होगी। एक या दो प्रजाति यहाँ पर ऐसे भी हैं जो 1 या 2 साल पर अपने सींग को गिरा देते हैं, उन्हें एंटलर कहते हैं। जिनका सिंह परमानेंट होते हैं उसके उसे एंटीलोप कहते हैं।
एक सर्वे डे और एक बॉबी डे फैमिली के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोग विंडो के दोनों तरफ देखते चलेंगे। ये सारे टीयर्स का पानी पीने के लिए एक पॉन्ड बना हुआ है। भालू का सफारी है। भालू का जीवन काल होता 25 से 30 वर्षों का। यदि से चिड़िया खाना सफारी में रखे जाते तो 40 वर्षों से अधिक दिनों तक जीते हैं, क्योंकि चिड़िया खाना सफारी में खान पान की उचित व्यवस्था रहते हैं, मेडिकल सुविधा भी दी जाती है। और इनका जो प्रजनन का समय होता है गर्मी दिन में होता है। प्रजनन के 7 महीने के बाद 1 से 2 बच्चे को जन्म देते हैं। शुरुआती दिन के बच्चे को आँख से दिखाई भी नहीं देते, सर पर बाल देने होते हैं। उस सप्ताह के बाद उन्हें दिखाई देना शुरू होते हैं, शरीर पर बाल उगते हैं। उसके बाद मादा भालू अपने बच्चे को पीठ पर लेकर इधर उधर घूमना शुरू कर देती है। भालू का प्रिय भोजन होता है महुआ, हन ये खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जंगल में आधा भोजन की पूर्ति दीमक और चींटी खाकर ही कर लेते हैं। इन्हें दिखाई बहुत कम देता, लेकिन सूंघने का क्षमता मानव से 6 गुना अधिक होते हैं। भालू को जो पैर होते मानव के समान होने होते, मानव से मिलते जुलते होते हैं। हम लोग के जानते होते 32 दांत, लेकिन भालू के 42 दांत होते हैं। भालू से 10 अधिक होते। आप लोग पिंडों के दोनों तरफ देखते हुए चले गए। अब हम पता नहीं किस में जा रहे हैं। अब किस में जा रहे हैं? टाइगर में चलो। अब टाइगर सफारी चला। अप्रैल 1973 में टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। इसके पहले शेर था। पूरे विश्व के 80% टाइगर हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, वो भी 52 रिजर्व सेंटर सब उसी में, जिसमें बिहार में भी एक है वाल्मीकि नगर रिजर्व टाइगर सेंटर और एक कैमूर जिले में चालू होने वाले हैं। टाइगर एक सोलिटरी एनिमल होते हैं, एकांत प्रिय पशु। प्रजनन के दिनों में मेल फीमेल साथ में रहते हैं, बाकी दिन में अकेले रहते हैं। इनका जो प्रजनन का समय होता है नवम्बर दिसम्बर में होते हैं। अब प्रजनन के 105 दिनों के बाद 3 से 4 बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन अभी गर्मी के टाइम में कल दिखाई देगी, आज जो दिखाई देगी फीमेल है व्हाइट रंग की बाघिन है, जिसका नाम स्वर्णा है। हैती लेकिन कल दिखाई देगी, क्योंकि इनका ऐसा नेचर होता है कि शासन कल करने के रहते, किसी दूसरे को रहने नहीं देते हैं। शासन करने के चक्कर में बाप बेटे को मार देते या बेटे बाप को मार देते हैं, आपस में झगड़ा कर लेते हैं। अब हम टाइगर सफारी में आ चुके हैं। इसका नाम स्वर्णा, देखिए स्वर्णा सो रही है। एक वाइट टाइगर है, इसका नाम स्वर्णा, ये सोई हुई है। हमने टाइगर सफारी में घूम लिया है, हम लोग लाइन सफारी में जाने वाले हैं। ये जो सफारी है जंगल के राजा शेर का, इस जंगल में 2 राजा और 3 रानी हैं। शिकार करना काम शेरनियों को होती है। शेरनी भी अपने झुंड में रहकर शिकार करती है। इनके झुंड को प्राइड और इनके बच्चे को सावक बोलते हैं। 1 साल से छोटे सावक शिकार नहीं करते। शेर का काम अपने इलाका को रखवाली करना, देखभाल करना, ताकि किसी दूसरे इलाका का शेर इनके इलाका में प्रवेश न कर सके। जिनके गले के नीचे में बाल होंगे मेल होंगे, जिनके बाल नहीं होंगे फीमेल होंगे। ये दुनिया के सबसे बड़े आलसी जानवर होते हैं। खाना खाने के बाद 18 से 22 घंटे तक सोते हैं। शेर का दहाड़ लगभग 8 किलोमीटर तक सुना जाता है। शेर का जीवन काल होता है 14 से 16 वर्षों का। प्रजनन का समय होता है ठंडे दिन में अक्टूबर नवंबर, और प्रजनन के 100 दिन के बाद ही 5 से 6 बच्चे को जन्म देते हैं। आप देखिए इसके पैर के निचले हिस्से अंडे के आकार के होते हैं, और ये नाखून नहीं दिखाई देते होंगे। शिकार करने के बाद अपने नाखून को बाहर निकालते हैं, और जो गर्दन का जुगलर नस होता है उसी पर अटैक करते हैं, उसी को पहले तोड़ देते हैं। ये विश्व के 2 ही महादेश में पाए जाते हैं, एशिया और दूसरा अफ्रीका।
अफ्रीका महादेश के सिर, एशिया महादेश के सिर से कुछ बड़े होते हैं। एशिया महादेश के अधिकांश सिर गुजरात के गिर जंगल में ही पाए जाते हैं। इधर देखे बैठा हुआ है, अरे यहाँ पे भी देखे, वहाँ बैठा हुआ भी देखे है। सारी लाइनें से यहाँ पर लेटी हुई है, एक वहाँ शेरनी लेटी है। ये सोया हुआ पहले जो शेर है, बाद में आई जो शेरनी है। सफारी सर, तेंदुआ का रंग आप लोग जान लीजिए, तेंदुआ का रंग होता है उजले और पीले रंग के चमड़ी पर, गुलाब के पंखुड़ी के तरह काले काले धब्बे होते हैं, साइलेंट किलर को होते हैं, साइलेंट किलर होते हैं। ये छुपकर रहते हैं और छुपकर शिकार करते हैं, अपने से दोगुने वजन के शिकार करके किसी पेड़ के डाली पर रखकर खाते हैं। ये ज्यादातर शिकार रात के अंधेरे में करते हैं, दिन को उजाले में आराम करते हैं, लंबे और ऊंचे छलांग लगाते हैं। इनका जीवन काल 10 से 15 वर्षों का होता है, यदि से चिड़िया खाना सफारी में रखे जाते हैं तो 20 वर्षों से भी अधिक दिनों तक जीते हैं। इनके का प्रिय भोजन होता है चीतल, हिरण, कुत्ते, बकरी, खरगोश, ये सब खाना बहुत पसंद करते हैं। इनके का प्रजनन का समय वर्षों भर होता है, वर्षों भर प्रजनन करते हैं, 90 दिनों के बाद 3 से 4 बच्चे को जन्म देते हैं। इनकी जो आवाज होते हैं, जिस तरह से हरी सब लकड़ी काटते हैं उसी ढंग से निकलते हैं, चिड़ई बोलते हैं। अभी तो हम लेपर्ड को ढूंढते हैं, उसका पानी पीने का एरिया ना, खाने पानी पीने का एरिया। क्या आप जानते हैं कि आप दिन भर में औसतन करीब 22,000 बार सांस लेते हैं? कभी गिना नहीं ना। और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं? जो यकीन नहीं होता ना। चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। अभी हम लोग ने वाइल्ड लाइफ सफारी कर ली थी, नेचर सफारी हम लोग ने पहले ही कर लिया था बहुत पहले आके, तो हम लोग ने वो नहीं किया है। अब हम लोग जाने वाले हैं नालंदा, उसके पहले कुछ खाना पीना होगा तो वही खाते करते जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।